हाँ जी दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं Realme की तरफ से इंडिया में लॉन्च होने वाले एक और नए बजट 5G स्मार्टफोन के बारे में। Realme की तरफ से Realme Narzo 50 सीरीज के दो नए 5G स्मार्टफोन्स 18 मई 2022 को लॉन्च किए जा रहे हैं। Realme Narzo 50 Pro 5G लॉन्च होगा एंड Realme Narzo 50 5G लॉन्च किया जाएगा। Realme Narzo 50 Pro 5G के बारे में हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं। अगर आपका इंटरेस्ट है उस स्मार्टफोन में, ऊपर आई बटन में लिंक दे रहा हूं वीडियो का, जाकर के जरूर से चेकआउट करना, लेकिन इस वीडियो को पूरा देखने के बाद में, क्योंकि आज की वीडियो में हम बात करेंगे Realme Narzo 50 5G के बारे में। क्या-क्या स्पेसिफिकेशंस आपको मिलने वाले हैं, क्या कुछ फीचर्स मिलने वाले हैं, किस प्राइस पॉइंट पर लॉन्च हो सकता है एंड ओवरऑल कैसा रहने वाला है स्मार्टफोन, सारी चीजें डिस्कस करेंगे। बिना किसी देरी के फटाफट से वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं, लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने के पहले लाइक टारगेट सेट करते हैं और लाइक टारगेट रखते हैं मात्र 700 लाइक्स का। आई होप आप कंप्लीट कर दोगे। फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है यश और प्रोटेक विलेज चैनल में आपका स्वागत है। स्टार्ट करते हैं भाई बातचीत को, और हमेशा की तरह सबसे पहले बात करते हैं फोन के बिल्ड क्वालिटी एंड डिजाइन के बारे में। बिल्ड क्वालिटी प्लास्टिक रहेगी, प्लास्टिक का बैक रहेगा, प्लास्टिक का फ्रेम रहेगा, ग्लास फ्रंट मिलेगा। कौन से ग्लास का प्रोटेक्शन मिलेगा ये चीज जनरली Realme भी आजकल बताता नहीं है, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली डिनोरेक्स ग्लास का प्रोटेक्शन यहां पर आपको देखने के लिए मिल सकता है। सो बिल्ड क्वालिटी यहां पर आपको बढ़िया मिलने वाली है, ज्यादा दिक्कत आपको उसमें नहीं आएगी। एंड डिजाइन की अगर बात करें तो गुड लुकिंग स्मार्टफोन है बैक पैनल से, फ्रंट पैनल से शायद आपको उतना ज्यादा पसंद ना आए। बैक पैनल में टॉप लेफ्ट में रेक्टेंगल शेप्ड कैमरा सेटअप दिया गया है, जहां पर दो कैमरास की हाउसिंग है, साथ ही में LED फ्लैश आपको मिलेगा। नीचे की तरफ आपको Narzo की ब्रांडिंग देखने के लिए मिल जाएगी, लेकिन फ्रंट में आपको वाटर ड्रॉप नॉच देखने के लिए मिलेगी। पतले पतले से बेजल्स होंगे, पतली सी चिन आपको देखने के लिए मिल सकती है। एंड कलर्स की अगर बात करें तो ब्लैक कलर में एंड ब्लू कलर में, दो कलर्स में आपको ये स्मार्टफोन देखने के लिए मिल सकता है। सो बैक पैनल से दिखने में स्मार्टफोन अच्छा है, फ्रंट पैनल से थोड़ा सा पुराना लगता है। बिल्ड क्वालिटी आपको डिसेंट मिल जाती है, बिल्ड एंड डिजाइन में आपको ज्यादा शिकायत नहीं आने वाली है। डिस्प्ले की बात करें, 6.58 इंचेस का आपको डिस्प्ले मिलेगा, ऑलमोस्ट 6.6 इंचेस का डिस्प्ले है, तो थोड़ा सा बड़ा डिस्प्ले है। सिंगल हैंड यूसेज थोड़ा सा डिफिकल्ट रहेगा, बाइक वगैरह पर अगर आप यूज करेंगे तो थोड़ी सी डिफिकल्टी आपको हो सकती है। 6.6 इंचेस का डिस्प्ले दिया जाएगा, फुल HD प्लस का रेजोल्यूशन मिलेगा, वाटर ड्रॉप नॉच वाला IPS LCD पैनल यहां पर आपको मिलेगा। डिस्प्ले का साइज और डिस्प्ले पैनल आपको बढ़िया यहां पर मिल जाता है। 20:9 का एस्पेक्ट रेशो यहां पर आपको मिलेगा, 401 PPI के आसपास आपको पिक्सल डेंसिटी मिलेगी, वाइड वाइन L1 का सर्टिफिकेशन आपको देखने के लिए मिल सकता है। HDR का सपोर्ट शायद यहां पर आपको ना मिले, लेकिन वाइड वाइन L1 तो मिल ही जाएगा। तो कंटेंट वॉचिंग के लिए Amazon Netflix पर अगर आपको HD में कंटेंट देखना पसंद है तो वो शायद आप इस फोन के साथ में कर पाएंगे। ब्राइटनेस की अगर बात करें तो 600 nits की पीक ब्राइटनेस यहां पर आपको मिल सकती है। सो इंडोर विजिबिलिटी भी बढ़िया रहेगी, आउटडोर विजिबिलिटी भी डिसेंट रहने वाली है, तो ब्राइटनेस में भी आपको शिकायत नहीं आएगी। एंड हायर रिफ्रेश रेट की अगर बात करें तो 90Hz का रिफ्रेश रेट यहां पर आपको देखने के लिए मिल सकता है एंड 180Hz का टच सैम्पलिंग रेट आपको मिल सकता है। सो डिस्प्ले क्वालिटी कॉन्टेंट वॉचिंग के लिए भी डिसेंट है, ब्राइटनेस भी आपको डिसेंट मिल जाती है, रिफ्रेश रेट भी आपको अच्छा मिल जाता है। सो ओवरऑल अगर देखा जाए तो डिस्प्ले क्वालिटी में आपको ज्यादा शिकायत नहीं आनी चाहिए, एक डिसेंट डिस्प्ले आपको इस फोन के अंदर मिलता है। परफॉर्मेंस की अगर बात करेंगे तो इस फोन को शक्ति प्रदान करेगा मीडियाटेक की तरफ से आने वाला मीडियाटेक डायमेंसिटी 810 810 चिपसेट। अब 810 जो चिपसेट है बहुत सारे फोन्स में हमको ऑलरेडी इंडिया में देखने के लिए मिल गया है, Realme खुद ही सबसे पहले लाया था Realme 8s के अंदर, नाउ इस फोन के अंदर भी आपको सेम चिपसेट मिलेगा। 6 नैनोमीटर पर बना हुआ चिपसेट है, एनर्जी एफिशिएंट है, हीटिंग का इशू आपको कम देता है। 2.4 GHz की पीक क्लॉक स्पीड आपको मिलती है, 2 A78 वाले कोर्स मिलते हैं, 6 A55 वाले कोर्स मिलते हैं। डे टू डे की परफॉर्मेंस बढ़िया आपको मिल जाती है। गेमिंग ग्राफिक्स को संभालने के लिए Arm Mali G57 MC2 GPU मिलता है, जो कि डुअल कोर GPU है, बढ़िया गेमिंग आपको करा देता है, ज्यादा दिक्कत आपको उसमें नहीं आएगी। वीडियो एडिटिंग, रेंडरिंग, ग्राफिक रिलेटेड टास्क भी आपके अच्छे से निकल जाएंगे, तो वहां भी आपको शिकायत नहीं आने वाली है। LPDDR4X RAM रहेगा और साथ ही में UFS 2.2 वाला स्टोरेज आपको देखने के लिए मिलेगा। सो ओवरऑल अगर देखा जाए परफॉर्मेंस को तो डे टू डे की परफॉर्मेंस भी अच्छी मिल जाएगी, ग्राफिक रिलेटेड परफॉर्मेंस, गेमिंग की परफॉर्मेंस भी अच्छी मिलेगी, रीड राइट स्पीड भी आपको अच्छी मिल जाती है, तो परफॉर्मेंस में आपको शिकायत नहीं आने वाली है। कैमरास की अगर बात करें तो ये वाला जो स्मार्टफोन है चाइना में ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है, और चाइना में 13+2 megapixel के डुअल कैमरा के साथ में लॉन्च हुआ है, लेकिन बताया जा रहा है कि इंडिया में जो कैमरा है वो थोड़ा सा बेटर आने वाला है। बेटर इन द सेंस मार्केटिंग के हिसाब से थोड़ा सा बेटर रहेगा भाई, इवेंचुअली तो वही 13-12 megapixel का कैमरा आपको मिलेगा। वैसे अगर देखा जाए तो इंडिया में ये स्मार्टफोन आपको 48+2 megapixel के डुअल कैमरा के साथ में देखने के लिए मिल सकता है, एंड 48 megapixel का प्राइमरी कैमरा मतलब 4-in-1
पिक्सल बिनिंग इफेक्टिव जो पिक्सल्स रहेंगे वो तो 12 मेगापिक्सल्स ही आपको मिलने वाले हैं। तो ये एक मार्केटिंग स्ट्रेटजी है केवल, ज्यादा उस पर आपको ध्यान नहीं देना है। 48 मेगापिक्सल्स प्लस 2 मेगापिक्सल्स का डुअल कैमरा है, 1080 पिक्सल्स में आप वीडियो रिकॉर्ड कर पाएंगे 30 fps पर। फ्रंट कैमरा की अगर बात करेंगे तो 8 मेगापिक्सल्स का सेल्फी कैमरा आपको मिलेगा, एंड सेल्फी कैमरा से भी आप 1080 पिक्सल्स में वीडियो रिकॉर्ड कर पाएंगे 30 fps पर। ओवरऑल अगर देखा जाए कैमरा सेटअप को, तो मेरे हिसाब से कैमरा सेटअप एवरेज आपको मिलने वाला है, नॉट बिलो एवरेज लेकिन एवरेज कैमरा सेटअप यहां पर आपको मिलेगा। कैमरा ओरिएंटेड फोन तो डेफिनेटली नहीं होने वाला है। अगर आपको अच्छे अच्छे फोटोज लेने हैं तो किसी और फोन की तरफ देखना, ये वाले फोन का वेट मत करना। बैटरी की अगर बात करें तो 5000mAh की बैटरी यहां पर आपको मिलेगी, बढ़िया साइज की बैटरी है, 6 नैनोमीटर का चिपसेट, IPS का डिस्प्ले, 90Hz का रिफ्रेश रेट, 5000mAh की बैटरी, तो बढ़िया बैकअप आपको मिल जाएगा। एक दिन का बैकअप इजीली आप निकाल लेंगे नॉर्मल यूसेज पर, ज्यादा दिक्कत आपको नहीं आने वाली है। बढ़िया साइज की बैटरी है, 5000mAh की बैटरी, 33W की चार्जिंग को फोन सपोर्ट करेगा, 33W का चार्जर आपको बॉक्स के अंदर मिलेगा, ये काफी अच्छी बात है। ओवरऑल अगर देखा जाए बैटरी मॉड्यूल को तो साइज भी अच्छा है, चार्जिंग स्पीड भी अच्छी है, मेरे हिसाब से बैटरी मॉड्यूल में आपको शिकायत नहीं आने वाली है। चार्ज करने के लिए USB टाइप सी वाला पोर्ट मिलेगा, ये अच्छी बात है। हमारा प्यारा दुलारा 3.5mm जैक डेफिनेटली मिलेगा, उसको गायब नहीं किया गया है, ये भी काफी अच्छी बात है। सिक्योरिटी प्राइवेसी एंड सेंसर्स की अगर बात करें तो साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर आपको मिलेगा, फेस अनलॉक ऑप्शन आपको मिल जाएगा, छुटर पुटर इधर उधर के लगभग सारे सेंसर मिलेंगे, जायरोस्कोप, प्रॉक्सिमिटी लाइट सेंसर, कंपास, एक्सेलोमीटर, फलाना ढिकाना, जितने सेंसर्स रहते भाई सारे सेंसर्स आपको मिलेंगे, सेंसर्स में कमी आपको नहीं मिलेगी। सॉफ्टवेयर की अगर बात करेंगे तो एंड्रॉइड 12 के ऊपर आपको फोन मिल सकता है आउट ऑफ द बॉक्स, उसी के साथ में मिलेगा रियलमी UI 3.0। ब्लोटवेयर्स होते हैं लेकिन आप उनको इंस्टॉल कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर का जो एक्सपीरियंस रहता है वो काफी अच्छा रहता है, मेरे हिसाब से सॉफ्टवेयर एक्सपीरियंस में आपको शिकायत नहीं आने वाली है। स्पीकर्स की अगर बात करें तो डुअल स्टीरियो स्पीकर्स भी आपको देखने के लिए मिल सकते हैं, DTS सराउंड साउंड के साथ में, तो ऑडियो क्वालिटी बढ़िया मिल सकती है, ऑडियो क्वालिटी में शिकायत नहीं आएगी। एंड कार्ड स्लॉट की अगर बात करें तो डेडिकेटेड कार्ड स्लॉट यहां पर आपको मिल सकता है, मतलब 2 सिम कार्ड आप लगा सकते हैं, साथ ही में मेमोरी कार्ड भी लगा सकते हैं। ओवरऑल अगर देखा जाए तो स्पेसिफिकेशंस डिसेंट हैं, बहुत ज्यादा तगड़े नहीं है तो बहुत ज्यादा खराब भी नहीं है, डिसेंट स्पेसिफिकेशंस हैं। 2 वेरिएंट्स में फोन लॉन्च किया जाएगा, 4GB प्लस 128GB एंड 6GB प्लस 128GB। एंड प्राइस पॉइंट की अगर बात की जाए तो बताया जा रहा है कि इसका जो बेस वेरिएंट है वो 14,000 रुपए के प्राइस पॉइंट पर इंडिया में लॉन्च किया जा सकता है। नाउ 14,000 के प्राइस पॉइंट पर मेरे हिसाब से एक डिसेंट ऑप्शन रहेगा, क्योंकि इससे बहुत सारे बेटर स्मार्टफोन ऑलरेडी इंडिया में अवेलेबल है। तो 14,000 के प्राइस पॉइंट पर ये स्पेसिफिकेशंस आई डोंट थिंक उतना ज्यादा वैल्यू फॉर मनी आपको प्रोवाइड करने वाले हैं। इससे बेटर स्मार्टफोन Xiaomi की तरफ से आपको बहुत सारे मिल जाएंगे, इससे बेटर स्मार्टफोन आई थिंक Realme की तरफ से ही आपको मिल जाएंगे अगर किसी सेल में आप परचेस करेंगे। तो ये जो स्मार्टफोन है मेरे हिसाब से, मुझे ऐसा लगता है कि 14,000 पे नहीं आना चाहिए, और थोड़ा कम में अगर लॉन्च होता है तो ज्यादा बेटर रहेगा, 13,500 के आसपास अगर लॉन्च होता है तो ज्यादा बेटर रहेगा। आप मेरे को कमेंट करके बताना भाई कि आपके हिसाब से आपको क्या लगता है, कैसा है स्मार्टफोन, कैसे हैं स्पेसिफिकेशंस एंड किस प्राइस पॉइंट पर इंडिया में आना चाहिए, कमेंट करके अपनी राय जरूर से बता देना। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा देना, ऑल वाला ऑप्शन सिलेक्ट कर लेना ताकि मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंचे आपको तुरंत से। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।